हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का बोस स्टडी में। मैं हूं आकाश आप सभी के साथ। दोस्तों, कल हम बौद्ध धर्म के बारे में कुछ भाग इसका कंप्लीट कर चुके थे और कुछ भाग हम आज इसका कंप्लीट करेंगे। तो साथियों, शुरुआत करते हैं हम बौद्ध धर्म के इस थॉट के साथ कि बुद्ध ने इस उपदेश में क्या कहा। हजारों साल बिना समझदारी के बिना जीने से बेहतर है एक दिन समझदारी के साथ जीना। तो साथियों, बुद्ध ने ये अपने उपदेश में हमें ये संकेत दे दिया कि हम चाहे 100 साल जिए या 1000 साल, लेकिन बिना ज्ञान के बिना ध्यान के हमारा जीवन मृत के समान है, हमारा जीवन जीवन नहीं है। तो साथियों, जरूरी नहीं कि आप 100 साल जियो, आप 50 साल जियो, लेकिन आपको ध्यान होना चाहिए, आपको ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि साथियों, ज्ञान के बिना जीवन आपका कैसा है, एक मृत के समान है। इसीलिए साथियों, कोशिश करो कि अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ो, चाहे फिर वो स्वामी विवेकानंद जी की हों, चाहे फिर वो आपके आर्यभट्ट की हों, अब्दुल कलाम की पुस्तक हो, चाणक्य की पुस्तक हो। इन पुस्तकों को पढ़ने से साथियों आपको काफ़ी लाभ अपने जीवन में मिलेगा और काफ़ी ज्ञान भी मिलेगा, और आप पाएंगे कि मैं पहले क्या था और आज मैं क्या हूँ। ठीक है साथियों, तो साथियों ये कल अपनों ने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। अष्टांगिक मार्ग बौद्ध की हमने कल कंप्लीट कर लिए थे। आज मैं एक बार दोबारा आपको रिपीट कर दे रहा हूँ कि क्या थे इनके अष्टांगिक मार्ग। साथियों, पहले में इन्होंने अपने अष्टांगिक मार्ग को 3 भागों में डिवाइड किया है। कितने भागों में? 3 भागों में। और वो कौन कौन से हैं, देखिए। पहले में इन्होंने किया है, पहले भाग में 2 लिए, प्रज्ञा विजडम, इसमें इन्होंने लिया है दृष्टिकोण और संकल्प, 2 ले लिए। उसके बाद इन्होंने 3 भागों में डिवाइड किया है, कैसे कैसे? वचन के लिए, कर्म के लिए और आजीविका के लिए, 3 भागों में डिवाइड कर दिया इन्होंने। इसे इन्होंने कहा सील वर्चुअल। और फिर लास्ट इन्होंने उसके किया 3 भागों में डिवाइड, इसे इन्होंने क्या कहा? ध्यान। क्या कहा? ध्यान, मेडिसन, समाधि, स्मृति और प्रयास। तो साथियों, बुद्ध ने काफ़ी कोशिश की है हमारे जो जो लोगों को जीवन में दुख होते हैं, दुख का निवारण करने की। और वो दुख का निवारण उन्होंने क्या बताया? ये 8 मार्ग, इसीलिए इन्हें अष्टांगिक मार्ग कहा गया। साथियों, बुद्ध ने काफ़ी कोशिश की ये स्मृति पर कोशिश करने की। उन्होंने कहा आप जितना ध्यान करोगे, जितनी उपासना करोगे, जितनी आप मेडिटेशन उपासना करने से साथियों क्या होता है, आपको अंदरूनी ज्ञान मिलता है अपना, अपने आप को जानने का। इसीलिए आप कोशिश करें कि मॉर्निंग में जल्दी उठें और कम से कम 1 घंटे आप उपासना करें। उससे आपको मालूम पड़ेगा साथियों कि आप कल कैसे थे, आज कैसे हैं, आपको काफ़ी ज्ञान की शक्ति हो जाएगी। तो ये क्लास साथियों, क्लास हम कल कर चुके थे इसके बारे में, आज स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ठीक है साथियों, बौद्ध धर्म को अलग अलग भागों में धीरे धीरे डिवाइड किया गया था या बट गया था बौद्ध धर्म, और कैसे आइए जानते हैं। देखिए, पहली बौद्ध धर्म 383 ईसा पूर्व में 2 संप्रदाय विभाजित हुए थे। कितने संप्रदायों में? पहली मीटिंग कब हुई थी बौद्ध धर्म की? ये हुई थी 383 BC में। कब हुई थी? 383 BC में। और इसमें क्या हुआ, बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया। कौन कौन से थे वो? स्थावरवादी और महासांगिक। अब महासांगिक लिए क्या बोला गया? यह पर्वतग्राही थे। कौन थे? पर्वतहीन ग्राही। और ये दूसरे कौन से थे? यह थे परंपरावादी थे। ठीक है, उसके बाद साथियों क्या हुआ, फिर से बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हो गया। और वो कौन कौन से थे, किस संगति में हुआ था? ये हुआ था बौद्ध धर्म की चतुर्थ संगति में। कौन सी? चतुर्थ मीटिंग में हुआ था। यह हुआ था हीनयान और महायान। ये साथियों आप याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं कि हीनयान महायान कौन सी मीटिंग में अलग हुए थे या कौन सी मीटिंग में विभाजित हुए थे, या आपके दो जो पहली मीटिंग 383 में हुई थी उसमें कौन से दो धर्म निकल के सामने आए थे, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है साथियों, अब देखिए हीनयान। साथियों, बुद्ध ने अपने अंतिम समय तक यही कहा था कि बुद्ध धर्म कोई संप्रदाय नहीं है, इसे आप लोग कोई संप्रदाय नहीं बनाना। लेकिन साथियों, लोगों ने क्या किया, इसका गलत मतलब निकाल लिया और बना क्या दिया, बौद्ध धर्म को एक संप्रदाय ही बना दिया। बौद्ध ने ये कहा था कि जो उपासना करेगा, जो मेडिटेशन करेगा, वो बुद्ध कहलाएगा। क्यों? क्योंकि उपासना करने से क्या होता है, हमें अपने अंदर का ज्ञान मालूम पड़ता है, हम क्या हैं हमें ये मालूम पड़ता है, हम समाज की मोह माया से थोड़ा दूर हो जाते हैं, लाइक घोड़ा, गाड़ी, बंगला, ऐसो आराम, पैसा, इन सब चीज़ों से दूर होकर जो हमें दिक्कतें होती हैं, कष्ट होती हैं, वो दूर होकर हम अपने आप को समझने की कोशिश करते हैं। तो बुद्ध ने कहा कि बुद्ध वही बनेगा या बौद्ध वही बनेगा जो उपासना करेगा। लेकिन लोगों ने क्या कर लिया, इसका अलग मतलब निकाल लिया और बौद्ध धर्म को सांप्रदाय बना दिया। अब हीनयान, साथ ही हीनयान क्या था? हीनयान एक व्यक्ति धर्म था,
एक व्यक्तिवादी धर्म था। यह मार्ग केवल भिक्षुओं के लिए ही संभव था। किनके लिए? भिक्षु जो भिक्षा मांगते थे। हीनयान बुद्ध जी की पूजा भगवान के रूप में ना करके बुद्ध जी को केवल महापुरुष मानते थे। यानी कि हीनयान में क्या था, इन्होंने कहा हम किसी मूर्ति की पूजा नहीं करेंगे, ना ही हम बुद्ध को भगवान मानेंगे। महात्मा बुद्ध ने जो काम किया वो एक बहुत बड़ा काम किया, बहुत महान काम किया, इसलिए हम उनको क्या कहेंगे, महान पुरुष कहेंगे, ना कि भगवान। ये हीनयान के लोगों ने कहा। मूर्ति पूजा में हीनयान के लोग विश्वास नहीं करते थे क्योंकि वो पूर्ण रूप से बौद्ध को मानते थे। तो उन्होंने कहा, बौद्ध ने कहा है कि मूर्ति पूजा मत करना, बौद्ध कोई संप्रदाय नहीं है, बौद्ध कोई भगवान नहीं है। इसीलिए उन्होंने कहा कि आप उपासना करना, मेडिटेशन करना, आपको ज्ञान वहीं से मिल जाएगा। बाद में यह संप्रदाय भी दो भागों में विभाजित हो गया, कौन कौन से, वैभाषिक और स्वतांत्रिक। ठीक है, हीनयान कंप्लीट हो गया। अब महायान, साथ ही महायान में क्या था, महायान में बोधिसत्व के मार्ग को भी संदर्भित करता है और अरहत की स्थिति को अधूरा मानता है। इसमें मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे लोग। तो साथ ही क्या हुआ था कि अब इन्होंने क्या कर दिया, मूर्ति पूजा में विश्वास रहना अधिक कर दिया। क्योंकि क्या हुआ था, महायान के लोगों ने कहा कि हमारे और भगवान के बीच एक माध्यम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक माध्यम। हम भगवान तक अपनी वॉइस को, अपनी आवाज़ को या अपने मन की इच्छा को कैसे पहुँचाएंगे। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा मूर्ति पूजा, हम मूर्ति पूजा करेंगे, उससे क्या होगा, हमारे और भगवान के बीच कांटेक्ट जो करेगा वो मूर्ति करेगी। तो उन्होंने मूर्ति पूजा को करना शुरू कर दिया, आरंभ कर दिया। बाद में यह संप्रदाय भी दो भागों में विभाजित हो गया, और कौन कौन से थे वो, चित्मात्र और माध्यमिका। तो साथियों ये दो भाग कौन से में आए थे, ये महायान में आए थे। ठीक है, ये साथियों मैप है, मैंने आपको दिखाया कि बौद्ध धर्म सिर्फ भारत में ही विकसित नहीं हुआ था, सिर्फ भारत में ही नहीं फैला था, वो भारत के कई पड़ोसी देश और कई दूर देशों में भी फैल गया था। देखिए भारत के अलावा वो कहाँ गया, अफगानिस्तान पहुँचा, अफगानिस्तान के लोग भी भारत के बौद्ध धर्म के अनुयायी हो गए। उसके बाद तिब्बत में भी, यहाँ तक फिर चाइना पूरे देश में उन्होंने बौद्ध धर्म के लोग मानने लगे थे। और दोस्तों चाइना से फिर कहाँ पहुँचा बौद्ध धर्म, जापान, जापान के लोग भी बौद्ध धर्म के लिए मानने लगे। इसके अलावा बर्मा, बर्मा में लोग मानने लगे। इसके अलावा जावा, तो साथियों जावा एक आइलैंड है। तो साथियों बौद्ध धर्म सिर्फ भारत में विकसित नहीं हुआ बल्कि वो भारत के कई अलग अलग देशों के वहाँ भी विकसित हुआ। यहाँ श्रीलंका, साथियों श्रीलंका में बौद्ध धर्म काफ़ी विकसित हुआ, काफ़ी कार्य श्रीलंका में बौद्ध धर्म के देखने को मिलते हैं। तो साथियों बौद्ध धर्म लोगों ने क्यों अपनाया, क्योंकि वो एक माध्यम मार्ग था, इसलिए बौद्ध धर्म को अधिक से अधिक लोगों ने अपनाया। और फिर से मैं बता रहा हूँ आपको, उसमें उपासना जो करते हैं लोग, मेडिटेशन करते हैं, उससे क्या होता है, उनके दिमाग का विकास होता है। तो साथियों आप भी कोशिश कीजिएगा कि उपासना करने की, उपासना करने से क्या होगा आपको भी मालूम पड़ेगा। 30 दिन में साथियों, 1 महीने के अंदर आपको मालूम पड़ जाएगा कि मेरे जीवन में कितना बदलाव आया है। क्योंकि साथियों उससे क्या होता है, हमारे मन को शांति मिलती है। जो लोग इरिटेटेड होते हैं या सुसाइड कर लेते हैं जल्दी जल्दी, उन्हें साथियों, तो जो सुसाइड जिन्होंने कर ली, उन्होंने उपासना नहीं की थी। उपासना करने से साथियों क्या होता है, हमारे मन की गुस्सा कंट्रोल होती है, हम अपने आप को कंट्रोल में रखते हैं, जल्दी गुस्सा नहीं आती, चीज़ों को जल्दी समझने की शक्ति आ जाती है। लाइक आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप 2-4 घंटे पढ़ते हैं लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हैं, आपको याद नहीं रहता। तो साथियों आप कोशिश कीजिएगा उपासना करने की, क्योंकि सबसे बड़ी शक्ति है। आप उपासना करेंगे तो आपका ध्यान लगेगा और ध्यान लगने से आपके दिमाग का क्या होगा, विकास होगा। ठीक है साथियों, उपासना करने के बहुत फायदे हैं, एक बार आप करके देखिएगा। और महात्मा बुद्ध ने इसके बारे में बताया ये। ठीक है, तो साथियों क्या हुआ था, अब देखो बौद्ध साहित्य साथियों इसके कितने पिटक हैं, 3 पिटक। कितने पिटक हैं, 3 पिटक। इसीलिए इसे क्या कहा गया, इसे कहा गया त्रिपिटक। और साथियों यह किस में लिखा गया, यह लिखा गया भाषा इसकी पाली, यानी कि पाली भाषा में लिखा गया है। 3 पिटक हैं, देखते हैं कौन कौन से। पहला है विनय पिटक। साथियों विनय पिटक में क्या कहा, किसे इसे किस पे, भिक्षुओं के लिए मठ के नियम। ये किस विषय पर, भिक्षुओं के लिए मठ के नियम पर आधारित है। यानी कि उस समय जो भिक्षु थे तो वहाँ पे मठ में कैसे नियम थे। इसके संपादक कौन है साथियों, उपालु। कौन है संपादक, उपाली। ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि विनय पिटक के संपादक कौन है, किस पर आधारित है, इसका अर्थ क्या है। इसका अर्थ है अनुशासन की किताब, यानी कि जो लोग उस समय अनुशासन करते थे वो इसके तरह करते थे विनय पिटक के आधार पर। सुत्त पिटक, साथियों किस पर आधारित है, यह है
बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। किस पर है? यह बुद्ध के उपदेशों का संग्रह यानी कि सुत्त पिटक में आपको बुद्ध के उपदेश मिलते हैं। संपादक कौन था इसका? संपादक थे आनंद। कौन थे? आनंद। अर्थ, इसका अर्थ है सुत्त की टोकरी। अच्छा साथियों, अभिधम पिटक लास्ट वाला थर्ड, यह किस पर है? यह विषय है इसका सुत्त में प्रकट होने वाले दर्शन। सुत्त में प्रकट होने वाले दर्शन पर आधारित है। इसके संपादक कौन है? इसके संपादक है मोगली पुत्र तिस्य। कौन है? मोगली पुत्र तिस्य। और किस पर आधारित है? इसमें साथियों बौद्ध धर्म के सिद्धांत पर आधारित है। तो साथियों ये तीन पिटक हो गए। इन तीन पिटक से मैंने आपको जो जो चीज़ बताई है वो एक भी चीज़ गलत नहीं है। सारी चीज़ें एग्जाम बेस से महत्वपूर्ण है, आपने याद कर लीजिए जैसे मैंने बताया उसी बेस में, ठीक है। जातक साहित्य, साथियों जातक साहित्य, जातक भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म संबंधी कथाएं हैं। किसके? भगवान बुद्ध की पूर्व जन्म संबंधी कथाएं। यहीं से हमारे लिए बुद्ध के अवशेष मिलते हैं या उनके जानने के बारे में जानकारियां मिलती हैं। विश्व की प्राचीनतम लिखित कहानियां जातक कथाएं हैं। देखा साथियों, विश्व की, भारत की तो है, विश्व की प्राचीनतम लिखित कहानियां हैं जातक कथाएं। इसमें भगवान बुद्ध के बारे में बताया गया है। यह कविताएं के रूप में किसके? कविताओं के। और इसमें लगभग 600, कितनी? इसमें लगभग 600 कहानियां संग्रहित की गई हैं। कितनी गई हैं? 600। और ये साथियों जातक कथाएं हैं। ये कुछ ऐसे वहां से हमें इमेजेस मिली हैं, ऐसे फोटो मिली हैं जिससे हमारे लिए कहां से मिली हैं? जातक कथाओं से मिली हैं। तो ठीक है साथियों, आज यहीं रखते हैं, बाकी हम कल करते हैं इसके बारे में। कल इसके बारे में बौद्ध धर्म और जानेंगे कि कैसे उनकी संगतियां हुई थी, क्या कहां कहां संगति हुई थी। बाकी साथियों आप एक बार पढ़ के आएँ कल तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। तो साथियों जिन्होंने क्लास को शेयर नहीं किया वो शेयर कर दें, जिन्होंने लाइक नहीं किया वो लाइक कर दें, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें। तो साथियों मिलते हैं कल, तब तक के लिए आप अपनी तैयारी कीजिएगा और कल पढ़कर आइएगा। और